हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था ना, वैसे सेम वही प्रोसेस करेंगे। मान लो कि क्या हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये कोई पॉइंट है पी, इसके साथ इसकी डिस्टेंस है आर पी, ये कोई लोकेशन एन मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज टेस्ट चार्ज है क्यू, उसकी इसके साथ डिस्टेंस है x, ठीक है, ये इन्फिनिटी लोकेशन है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले पोटेंशियल निकाल, पहले वृद्धन निकालेंगे। वृद्धन के लिए पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, फोर्स। तो मान लो ये दोनों चार्ज है, इनके बीच में फोर्स लगेगा ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ, फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, ठीक है। इसका कुछ निकलेगा मैं, पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंटेड एंड विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो इसके साथ एक्स डिस्टेंस पे, तो ये होगा सर फोर्स। उसके बाद वर्कडन, तो मान लो ये चार्ज इन्फिनिटी से यहां, ये एम है, यहां से यहां तक इस चार्ज को रिप्लेस किया मैंने, तो क्या होता है, मान लो डी एक्स होता है। देखो फोर्स, फोर्स किस साइड लगेगी इसकी तरफ, इनकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड हो रही है और फोर्स आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके लिए आउटवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्या होता है, एफ डी एक्स कोस थीटा, थीटा क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन, थीटा क्या हो गया ठीक है। उसमें पोटेंशियल उसकी उसमें उस सेम डायरेक्शन में हो रहे थे, ठीक है। उसके लिए हमने जीरो को ले लिया, तो एफ डी एक्स कोस कनेक्टिविटी, कोस कनेक्टिविटी क्या होता है, माइनस वन। तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, एफ डी एक्स नेगेटिव वन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का नेगेटिव टाइम एफ डी एक्स, ठीक है। लोकेशन इन्फिनिटी से लेके आएंगे, कहां तक लेके आएंगे हम, पी तक, तो इन्फिनिटी टू पी डिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो आर पी। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी एफ डी एक्स वन बाय फोर से नोट क्यों स्मॉल को भी बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचाएगा, नेगेटिव पे आएगी वन बाई एक्स के डी एक्स इन्फिनिटी टू आर, ओके। नेक्स्ट वर्धन इन्फिनिटी टू पी वन बाई फोर से नोट क्यों, ठीक है, वन बाई एक्स के डी एक्स का लास्ट में किया था हमने, ठीक है, क्या निकला था हमारा, वन बाई एक्स आर पी टू, ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा। नेक्स्ट वन बाई फोर एक्स लो क्यों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, ये क्या हो जाएगा, वर्ड क्या हो जाएगा, आर अब डब्ल्यू इन्फिनिटी वर्ड इन्फिनिटी टू पी है, इसको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, वी पी, इनटू चार्ज है क्या होगा, क्यों से क्यों कैंसिल, तो वी पी क्या हो गया, वर्धन होता है ना क्यों वी, इसके लिए तो वन बाई फोर नाम सुनो क्यों अपॉन आर, तो ये हमारा लिखा जाता है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली थी हमारी, वन
कंबाइन पोलराइजेशन है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकला हमारा v इज इक्वल टू क्या निकला हमारा v इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² ड्यू टू डायपोल पॉइंट्स आज के लिए 1/r² थी, डायपोल के लिए 1/r³ और पोटेंशियल 1/r। ये सारी डिपेंडेंस आपको पता होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ड्यू टू हमारा पॉइंट्स आज में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आप इससे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होता है। ठीक है,
दो केस बनेंगे यहां पे, एक एक्सियल लाइन एक इक्विटोरियल लाइन। तो सबसे पहले पोटेंशियल यूपी इलेक्ट्रिक डाइपोल, फर्स्ट केस कर रहा हूं मैं, एक्सियल लाइन के लिए कर रहा हूं, ठीक है। एक्सियल लाइन क्या है, ओरिजिनल डाइपोल, ठीक। तो माइनस क्यों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ये सेपरेटेड है टू एल से, इनका सेंटर ही ले लो, ठीक है। मान लो यहां पे निकालना है इस पॉइंट को, मान लो पी मान लो, ठीक है। सेंटर के साथ डिस्टेंस इसकी मान लो एक्स, ये क्या हो जाएगी इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्स, वहां पे भी आर ले रहे थे तो इसके लिए आर ही ले लो, एक्स ले लो, कोई मैटर नहीं, ठीक। एक्स माइनस एल, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस, तो पोटेंशियल अभी हमने निकाला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई फोर एप्सिलॉन क्यू बाई आर। तो बी ने नेगेटिव चार्ज ले ली, वन बाई फोर एप्सिलॉन क्यू, आर कितना है एक्स प्लस एल, ओके। बी पॉजिटिव चार्ज के लिए ये नेगेटिव, ठीक है चार्ज, तो पॉजिटिव वन बाई फोर एल स्लो क्यू अपॉन एक्स माइनस। अब हम निकालेंगे दोनों का, निकाल लिया हमने, अब नेट, तो बी नेट यानी टोटल बी नेगेटिव प्लस बी, अभी दोनों में कॉमन है वन बाई फोर एप्सिलॉन, कॉमन ले लिया मैंने, क्यों भी कॉमन ले लिया, क्या बच गया वन बाई एक्स माइनस एल, यहां पे क्या नेगेटिव, तो एक्स प्लस, ओके। नेक्स्ट वी नेट वन बाई फोर एप्सिलॉन क्या होता है, क्या होगा बंद उठ जाना, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एल एक्स माइनस, ठीक है, या इसका एलसीएम, तो ये क्या आंसर आएगा एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस, ठीक है। नेगेटिव मान लो इस ब्रैकेट को मैं खोल देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, ये क्या हो जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल, क्यू फोर पाई एप्सिलॉन टू एल एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या होगा टू एल क्या होता है पी, तो पी फोर पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाता हमारा बी ने। अब स्पेशल केस के लिए उसके लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर नेगेटिव, ठीक है। स्पेशल केस के लिए क्या हो जाएगा बी नेट पी फोर पाई एप्सिलॉन वन बाई, तो ये निकल जाता है हमारा एक्सेल डायरेक्शन। हम बताएंगे, मैंने बता दिया था पहले भी ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओरिजिनल लाइन, ये आपका सभी का हो गया ना, सेकंड है
विक्टोरियन लाइन, ठीक है। तो विक्टोरियन लाइन के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव जो इक्वल इक्वल डिस्टेंस के बीच में टूएल यहां पे कोई है पी सेंटर के साथ डिस्टेंस एक्स, ये एल है ये भी एल है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब इसमें तो कंपोनेंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्यों नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बी नेगेटिव क्या हो जाएगा, सुनो क्यों भाई आर, तो क्यों आर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वी पॉजिटिव क्यों, वन बाय फोर एक्स नोट क्यों भाई आर, आर कितना है आर, या जो वो डिस्टेंस दे रही है हमें पॉजिटिव और चाहे निकाल रहे हैं उसकी, ठीक है। अब साफ पता चल रहा है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो बी नेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हमारा क्या निकलता है, जी। और इस डायरेक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो और पोटेंशियल जरूरी हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कुछ यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी हमारी, वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, ऐसा कुछ आया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विटोरियल में, लेकिन पोटेंशियल हमारा आ रहा है जीरो, ठीक है। तो ये हमने किए थे एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। हमने सिंगल्स के लिए निकाल लिया था, तो उसके लिए वैल्यू क्या आई थी हमारी, V इज इक्वल टू वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। अब एक ग्रुप के लिए करेंगे, मान लो ये कोई पॉइंट P है, इसे यहाँ पे ये चार्ज क्यू वन है, ये डिस्टेंस मान लो आर वन, ये क्यू टू डिस्टेंस ये आर टू मान लो, ये क्यू थ्री है, ये डिस्टेंस आर थ्री, यहाँ पे मान लो क्यू फोर चार्जेस डिस्टेंस आर फोर, और यहाँ पे क्यू एन है वो डिस्टेंस मान लो आर वन, तो सभी का टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो वी से डिनोट कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू वन के कारण वी वन, क्यू टू के कारण वी टू, क्यू थ्री के कारण वी थ्री, क्यू फोर के कारण वी फोर, क्यू एन के कारण वी एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल पोटेंशियल, ठीक है। इसको मान लो जनरल एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट समेशन आई वन टू लेके एन क्यू आई अपॉन आर आई, ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इस डेफिनेशन क्या होगी, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, सभी ग्रुप का चार्ज, ठीक है, चार्जेस इज क्या कर रहा है, सभी का सम कर किया हमने, ठीक है, जो मैथमेटिकल में सम कर रहे हैं, इज एलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। सभी का निकाला हमने, उस बाद में सभी का ऐड कर दिया,
तो ये बन जाता है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, उसके बाद बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन और रह गई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दिया था कि मान लो दो चार्ज है, कोई क्यू वन है क्यू टू, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन मैं फिर भी इसके अगेंस्ट वर्क डन जो करवा रहा हूँ, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क डन चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैंने एनर्जी कुछ खर्च की, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी एनर्जी बन जाएगी क्यू टू की। ठीक है, उस एनर्जी को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मान लो क्या पढ़ाया हमने, वर्क डन अपॉन क्यू इजिकल टू क्या पढ़ा था हमने, पोटेंशियल वी। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू वी, और ये वर्क डन चेंज हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई हमारी, यू इजिकल टू क्यू वी, ये एक चार्ज के लिए बनी हुआ। ठीक है, अगर दो चार्ज हो क्यू वन क्यू टू, उसके लिए क्या था बनेगा, यू इजिकल टू क्यू वन और इनके बीच में जितना डिस्टेंस है, मान लो आर है, तो क्यू वन क्यू टू वन बाय फोर एप्सिलॉन नॉट तो है ही। ठीक है, आर, ठीक है, पोटेंशियल एक का पोटेंशियल हो जाएगा ना वन बाय फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, तो ये दो चार्जेस के लिए। तो इसको लिख दें पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस। ठीक है, अगर हमारे तीन चार्जेस हो, तो मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें थ्री चार्जेस के निकालना वाली हो, तो जैसे ये क्यू वन है, क्यू टू और ये क्यू थ्री, क्यू वन के साथ इसकी डिस्टेंस है, इसको मान लिया मैंने आर वन थ्री, ये डिस्टेंस मान ली मैंने आर वन टू। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो क्यू टू से आर टू थ्री। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यू इजिकल टू वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, इसके बीच में डिस्टेंस है आर वन टू, फिर क्यू वन क्यू थ्री, इसके साथ डिस्टेंस है आर वन थ्री, फिर क्यू टू क्यू थ्री, इसके साथ डिस्टेंस है हमारी आर टू थ्री। तो ये हो जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, थ्री चार्जेस के लिए। ठीक है, अब अगर हम एन चार्जेस की बात करें, ठीक है, एन चार्जेस सिस्टम की बात करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है यू बाई वन बाई टू वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट समेशन एन आई टू वन एन जे टू वन आई नॉट इक्वल टू जे क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे आई जे। यानी वन के लिए निकालें तो वन एवर पुट करेंगे फिर टू, ऐसे ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है एन चार्जेस के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था बेटा। अगर इसके लिए आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ये दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।